नमस्कार दोस्तों, वाईफाई गुरु जी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे 10 फरवरी 2019 की जो करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर कराएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस वर्ष 13वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी, गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लॉ जस्टिस एंड जुडिशियल पावर जस्टिस PN भगवती का दृष्टिकोण पुस्तक हाल ही में किसने लिखी है? एक पुस्तक लिखी गई है जो जस्टिस हैं PN भगवती, उन पर तो वो किसने लिखी है? तो दोस्तों इसके लेखक हैं ऑप्शन ए, मूलचंद शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय कृषि मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एशियाई शेर संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों इसका भी सही आंसर है ऑप्शन बी, 8 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने डेटा साइंस इनोवेशन अवार्ड जीता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यस बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने नए सचिव कौन बने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्री शैलेश बने हैं इसके नए सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रोहित शर्मा, जो कि फिलहाल भारतीय टीम में ओपनिंग करते हैं। और दोस्तों इतना और बताते हैं कि जो T20 में छक्के मारने के वाले स्थान में भी रोहित शर्मा संयुक्त स्थान पर हैं। तो पहले स्थान पे क्रिस गेल वेस्टइंडीज के, और उसके बाद मार्टिन गुप्टिल जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और रोहित शर्मा, तीनों फर्स्ट स्थान पे हैं, तीनों के 103 छक्के हैं दोस्तों अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के सहायक कोच बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रिकी पोंटिंग, जो कि संन्यास ले रखा है इन्होंने और बहुत पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान भी रह चुके हैं काफ़ी लंबे समय तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 1980 के बाद चौथा सबसे अधिक गर्म वर्ष रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नासा। नासा ने ये बताया कि जो 2018 है वो 1880 के बाद में सबसे अधिक गर्म वर्ष रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में 3 दिवसीय कृषि कुंभ का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। बिहार राज्य में कृषि कुंभ का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा देश भारत को 2 मिसाइल रक्षा प्रणाली बेचेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में तेल उद्योग द्वारा उज्ज्वला उत्सव कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 फरवरी। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चन। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो कल हमने क्वेश्चन पूछा था उसके सही आंसर के बारे में। तो इसका पहला क्वेश्चन पूछा गया था हमने कल, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का हिंदी वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, नारी शक्ति। तो जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था नारी शक्ति को। तो दोस्तों आज का सवाल है हमारा, कौन सा देश जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड स्टील निर्माता बना है? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और उसके बाद में कल हम नेक्स्ट वीडियो में जैसे करंट अफेयर्स खिलाएंगे उसमें इसका आंसर देंगे। तब तक के लिए आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी रहने वाले हैं। और दोस्तों हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह सुबह डाल देते हैं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, और डेली करंट अफेयर्स और जॉब रिलेटेड न्यूज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।